सभी विद्यार्थियों का क्लास हब यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे एचएसएससी क्लरिकल का जो मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हिंदी का सॉल्यूशन करते हैं। हिंदी में देखिए आपसे सवाल पूछा गया है, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दोषी स्वयं डरता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, निंदा शब्द का विलोम छांटिए। तो निंदा शब्द का विलोम ऑप्शन सी स्तुति रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राम तैरता है इस वाक्य में क्रिया क्या है। तो किस प्रकार की क्रिया है, कल भी हमने बात की थी सकर्मक अकर्मक क्रिया, विद्यार्थियों को बोला गया था, मैंने पहले ही वीडियो डाल रखी है कलर का एग्जाम शुरू होने से पहले ही, तो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं क्या तैरता है, कोई जवाब नहीं मिला, क्या लगा के पुट करना है, तो क्या का जवाब नहीं मिला। तो राइट आंसर अकर्मक क्रिया ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस वाक्य में कल शब्द क्या है, तो इस वाक्य में बात करते हैं तो कल अव्यय अथवा अविकारी शब्द है। अव्यय या अविकारी वे शब्द जिनमें विकार पैदा न हो, कल कर्ता काल कर्म आदि के कारण कोई भी विकार पैदा न हो तो वे अव्यय कहलाते हैं, तो कल इसमें अव्यय है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 65, ये नॉर्मली ही आप जोड़ लोगे 65 71, इस प्रकार जोड़ के आप आराम से हल कर देंगे, बिल्कुल सिंपल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वाक्य में कौन सा संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। मुझे तो इन चारों में ही डाउट लग रहा है, ये गलत है, ऑप्शन गलत दिए गए हैं इसके, क्योंकि मैं शब्द लगा दिया, ये पढ़ा होगा, तो देखिए पढ़ा होगा ये भूत में चला जाएगा, पढ़ा होगा, और बाकी तीन मैं शब्द लगा दिया, तो मैं लगाने पर वो संदिग्ध नहीं रह जाता। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, तिथि शब्द का बहुवचन, तो तिथि का बहुवचन ऑप्शन सी तिथियां हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, विमला से दिन में सोया नहीं जाता, तो इसमें कौन सा वाच्य है। तो भाव वाच्य, वाच्य की भी मैंने वीडियो डाल रखी थी, सारी हिंदी करवाए हुए में से आ रही है बार बार क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अब रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी के हमने देख लिए, अब क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये रहा आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा गया है रीजनिंग के क्वेश्चन में, 64 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कर दिया गया है, +5 कर दिया, 11 5 16, फिर -5 कर दिया, फिर +5 कर दिया, फिर -5, तो इस हिसाब से 6 में 5 जोड़ोगे F, 6 5 जोड़ोगे 11 11, केवल एक ही ऑप्शन में है K, B में। तो आगे का चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन में K दे रखा है, तो राइट आंसर B ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं आपका रीजनिंग का, इस पेज पे नहीं है और आगे बढ़ते हैं। अब इस पेज पे हम देखते हैं, ये रहा रीजनिंग का क्वेश्चन 61 नंबर। देखिए 61 नंबर में क्या किया गया है, अक्षर सारे वो के वो लिखे गए हैं उल्ट पुलट के, और कहा गया है कौन सा संबंधित नहीं है, भिन्न छांटना है। तब सबसे पहले टी लिखा गया, टी कहाँ से उठाया, पीछे से दूसरा था, ए उठाया पीछे से तीसरा है, एन उठाया पीछे से दूसरा है, एस उठाया पीछे से दूसरा है, तो पहले अक्षर से ही विभिन्नता पता चल गई, राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, क्योंकि बाकी में तो पहले पहले अक्षर दूसरे पीछे से दूसरे उठा रखे हैं, और ऑप्शन बी राइट आंसर जिसमें अलग है जो तीसरा उठा रखा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रीजनिंग का ये रहा सीरीज का सवाल है, 2 3 6 15 42, और क्वेश्चन मार्क क्या कर दिया गया, 3 गुणा कर दूं यदि मैं इसे, 2 3 6 3 3 3 9 3 6 3 18 3 15 15 3 45 3 42, तो आगे भी चलेंगे तो 42 3 126 और 3 123, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 123। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला रीजनिंग का इस पेज पे नहीं है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इस पेज पे रीजनिंग का सवाल यहाँ भी नहीं है, इस पेज पे हाँ ये रहा ऊपर, विषम शब्द चुनना है, 4 दिए गए शब्दों में से शब्द दिए गए हैं लेखन सीखना सुविज्ञ पढ़ना, तो सुविज्ञ अलग हो जाएगा, लेखन सीखना पढ़ना तो सारे एक ही समान हैं, तो अलग हो जाएगा सुविज्ञ ऑप्शन सी। तो इस पे एक ही क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन ये रहा ऊपर, देखिए क्या दे दिया गया है, इसने दे दिया यहाँ पे ई से एफ पे गए +1 कर दिया, फिर आगे
जी से 9 पे प्लस 2 कर दिया, आई से एल पे प्लस 3 कर दिया, के से ओ पे जाएंगे प्लस 4, तो 1 2 3 4 प्लस हो रहा है। तो एफ से प्लस 1 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। कितने ऑप्शन में, 2 में 1 में होता तो टिक कर देते, प्लस 1 फिर प्लस 2 कर दो, 8 और 2 10, जी जे 1 में ये राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चाहे तो आगे भी चेक कर सकते हैं, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हो रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पे रीजनिंग का ये रहा, तो देखिए इसको हल करना है गणितीय संक्रिया मैथमेटिकल ऑपरेशन से सवाल है। तो हम कैसे वैल्यू 7 के बाद आपका क्या दिया गया है, 3 दे दिया गया है, फिर आपका 6 और उसके बाद 5। अब पी की वैल्यू देखिए, पी की वैल्यू चेक करो, पी की वैल्यू है गुणा, तो इनके बीच में गुणा लगा दीजिए। वाई की वैल्यू चेक कर लेते हैं, माइनस है, माइनस लगा दिया, और फिर क्या है एक्स, एक्स की वैल्यू कहाँ दे दी, एक्स की वैल्यू प्लस दे दी। तो बस ये हल करना, 7 ये 21 में से 6 गया 15 और 15 और 5 20, तो राइट आंसर ऑप्शन डी 20 हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, रीजनिंग का इस पेज पे और नहीं है। अगला रीजनिंग का आपका ये रहा सवाल, देखिए क्या किया गया है इसके अंदर, उसने दिया बी ए वाई जेड किसके बराबर लिख दिया, सी डी एक्स और W, क्या कर दिया गया है देखेंगे। यहाँ प्लस 2 कर दिया ऐसे, यानी 2-2 के टुकड़े, यहाँ भी प्लस 2 कर दिया, फिर अब देखेंगे यहाँ माइनस 2 कर दिया, यहाँ भी माइनस 2 कर दिया, इस प्रकार से आर पार कर रहे हैं 2-2 के टुकड़े में तोड़ के। तो हम भी ऐसे ही कर देंगे, देखिए F E U और V, तो यहाँ प्लस 2 करेंगे 5 और 2 7, यहाँ जी, यहाँ प्लस 2 करेंगे तो एच, जी एच कितने ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे भी चाहो तो ऐसे ही चेक कर सकते हैं, अगले 2 में आर पार प्लस 2 था और लास्ट वाले 2 में माइनस 2 कर रखा था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल इस पे नहीं है, अगली स्क्रीन पे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा, इस सवाल में देखिए क्या दिया गया है, इस सवाल में इसने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस 1 कर दिया, आगे फिर माइनस 2 कर दिया, फिर माइनस 3 कर दिया, फिर माइनस 4 कर दिया और फिर माइनस 5 कर दिया। तो ऐसे ही कर देंगे, 2 में से गया 1 यानी माइनस 1 किया पहले, फिर माइनस 2 करेंगे, 15 में से 2 गया तो क्या होगा 13 ए एम, एक ही ऑप्शन में है ए एम, राइट आंसर ऑप्शन डी। चाहो तो आगे भी ऐसे चेक कर सकते हैं, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, इस प्रकार से आगे क्रम चलता रहेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल इस पेज पे नहीं है और आपका रीजनिंग का सवाल अगला देख लेते हैं, इस पेज पे नहीं है, ये हस्ताक्षरी संधि है तो और ही कोई, ये आ गया रीजनिंग का सवाल, श्रृंखला 9 17 33 और 65 क्या कर रखा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसने क्या कर दिया, 9 17 33 65 के अंदर, तो यहाँ पे हम यदि बात करें 9 17 33 65, 9 2 18 एक कम लिख दिया 17 17 2 34 एक कम 33 33 2 66 एक कम 65, तो 65 2 130 और एक कम 129, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ, बस और सवाल नहीं है, रीजनिंग भी आपकी कंप्लीट होगी, हिंदी और रीजनिंग का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में देखा। तो अभी के लिए इतना ही, शाम को फिर मिलते हैं संध्या के पेपर के तुरंत बाद। थैंक यू, धन्यवाद।